ठीक ना, अभी नहीं बात करें। पटना में रामनवमी की धूम है और अभी मैं खड़ा हूँ पटना के महावीर मंदिर में। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में है यहाँ पर मंदिर में के अध्यक्ष हैं आचार्य किशोर कुमार सर हैं, हम बात करेंगे। सर, रामनवमी का त्यौहार है और देख रहे हैं कि भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और उसको लेकर के मंदिर प्रबंधक जो है किस तरह से इस बार रामनवमी के लिए तैयारियां की हैं? हम लोग तो सबसे पहले भक्तों को अधिक से अधिक सुविधा मिले इसका ख्याल रखते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के वीर कुंवर सिंह पार्क तक यह शेड का प्रबंध किया जाता है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि और भी भक्त हैं जो कि काफ़ी संख्या में यहाँ आज से ही हैं और हमारे साथ में आचार्य किशोर कुणाल सर हैं जो कि हमें दिखाएंगे कि मंदिर में जो भक्तों की जो दिक्कतें हैं उसको इस बार कैसे दूर किया जाएगा। हालांकि पिछली बार जो महिलाओं की भीड़ ज़्यादा होती है मंदिरों में उसको लेकर के और गर्मी का सीजन होता है तो ऐसे में महिलाओं को जो व्यवस्था किया जाता है, हम दिखाएँगे यहाँ महावीर मंदिर में कि साफ तौर पे है कि संख्या तो काफ़ी बढ़ती ही रहती है और यहाँ मंदिर में बच्चे भी आते हैं, बच्चों के साथ साथ देख रहे हैं उनके अभिभावक आते हैं और अभिभावक के साथ में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर मंदिर के पास में दर्शन किए जाते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ पर आरती का भी आयोजन होता है। हम सर बात करेंगे यहाँ पर कि सर महिलाएं जो हैं यहाँ देखी जाती हैं काफ़ी संख्या में आती है तो इस बार जो है रामनवमी को लेकर महिलाओं के लिए क्या? नहीं, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रहती है, जो शेड बना रहता है उनकी अलग पंक्ति रहती है, उनको भी बहुत तेज़ी के साथ उनका प्रसाद चढ़ता है और हम लोगों का सारा उद्देश्य रहता है कि उनको कम से कम सुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, कम से कम समय में दर्शन कर सके, लेकिन 2 घंटे से 6 घंटे तक का इंतजार लोगों करते हैं। महिलाओं में ज़्यादातर देखते हैं जो कतार में लगती है, शौचालय की व्यवस्था क्या क्या है? सब चलंत शौचालय की व्यवस्था रहती है और जो लोग आते हैं मानकर चलते हैं कि 2 घंटे से 6 घंटे तक पंक्ति में रहना पड़ेगा, बहुत धीरज के साथ लोग आते हैं, उन लोगों की भूमिका बड़ी सराहनीय रहती है, भक्त के रूप में आते हैं। उसका दर्शन के लिए क्या खास समय भी इस बार रखा गया है? सुबह भोर में 2 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद आरती होगी, 2:15 बजे से दर्शन प्रारंभ। इस बार सुनने में आ रहा है कि ड्रोन की व्यवस्था की गई है रामलला की। ड्रोन हम लोग लगा रहे हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, ड्रोनों से फूलों की बारिश होगी, जो मंदिर के शिखर हैं, जो ध्वज हैं और जो बाल रूप में भय प्रकट कृपाला दीनदयाला जो भगवान का रूप है उन पर पुष्प वृष्टि होगी। पूरे देश में सर देखते हैं यहाँ का मुख्य प्रसिद्ध प्रसाद है नवेद्यम और वैसे समय में जब रामनवमी का त्यौहार होता है तो नवेद्यम जो है प्रसाद यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद है वह काफ़ी भक्तों के लिए एक डिमांड जी। नवेद्यम की ख्याति पूरे देश में है और हम लोग हर साल इसकी बिक्री बढ़ती जा रही है, इस बार करीब 20,000 किलो नैवेद्यम प्रसाद बनाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि सब बिक जाएगा समय से पहले। सरकार की तरफ से क्या सर सुविधा? नहीं, सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था रहती है और सरकार को हम लोग भी सहयोग करते हैं। महावीर मंदिर तो धार्मिक न्यास बोर्ड को शुल्क के रूप में 1,20,00,000 से अधिक रुपया देता है, जो बिहार के सारे मंदिर मिलाकर जितना देंगे देते हैं उतना हम लोग अकेले देते हैं। सर अंतिम सवाल है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर महावीर मंदिर पटना का क्या योगदान आपके तरफ से क्या योगदान? ऐसा हम लोगों ने 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, 6 करोड़ रुपए दे चुके हैं, 2 करोड़ जुलाई में देंगे, 2 करोड़ दिसंबर में देंगे। मंदिर उद्घाटन के पहले 10 करोड़ रुपया सबसे बड़ा योगदान किसी एक व्यक्ति या संस्थान का है, महावीर मंदिर का है। और वहाँ सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं कि राम रसोई में जो भक्त रामलला जी का दर्शन करने आते हैं उनको हम लोग निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। तो साथ और देख रहे थे कि किस आचार्य किशोर कुमार कुणाल सर थे जिन्होंने इस बार जो है पटना के महावीर मंदिर में
क्या क्या तैयारियां हैं, भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसको लेकर के भी तैयारियां की गई है। पिछले बार एक ड्रोन से पुष्प का बरसात किया गया था, इस बार तीन तीन ड्रोन जो है महावीर मंदिर की ओर से फूल की वर्षा करेंगे, और अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया है साफ तौर पर बताया है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।